जैसा कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको मैंने पहन लिया है और इस तरह से देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है। तो अब मैं इसको अपने हाथ से खोल लेता हूं। दोस्तों मैं हूं शफीक और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीमांचल मीडिया क्लिप्स। दोस्तों पिछले काफी सालों से आपने ये नाम सुना होगा, स्मार्ट 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 स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट शू, स्मार्ट पेन, स्मार्ट ये, स्मार्ट वो, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीजें। लेकिन इसी के बीच आपने ये भी सुना होगा कि स्मार्ट वॉच, जिसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्मार्ट वॉच। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और जानेंगे इसका स्पेसिफिकेशंस और बहुत सारी चीजें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास स्मार्ट वॉच का डब्बा, स्मार्ट वॉच का बॉक्स। इसके अंदर होगा एक स्मार्ट वॉच और बाकी बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले डब्बे के बाहर जो लिखी हुई चीज है, हम उस चीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बिसोन या बाइसोन, जो भी पढ़ सकते हैं। आपको नीचे की तरफ फंक्शन में आपको म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा, यूएसबी यूनिवर्सल बस मिल जाएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। याद रहे, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको कोई फेसबुक का फोटो या व्हाट्सएप का फोटो नहीं दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन मिलेगा, इतना कि आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कुछ मैसेज आया है। और हैंड फ्री भी यहाँ पे आपको लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये सब चीज़ें तो यहाँ पे दी हुई है, लेकिन हैंड फ्री अब हो या नहीं है इसके लिए मुझे डाउट हो रहा है। अब इस डब्बे को खोलेंगे तभी हमको समझ में आएगा। और अब करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग और खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो ये मैंने इसको खोला, इसको साइड में रखा। सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलता है एक स्मार्ट वॉच, तो इसको रखते हैं साइड में और सबसे पहले बात करते हैं इस डब्बे के अंदर और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक यूएसबी केबल मिलता है, माइक्रो यूएसबी केबल है, जिससे आप अपने स्मार्ट वॉच को चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ चाइनीस में कुछ चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश में भी है, इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है हमको। फ़ायदा तो है लेकिन आप हमको नहीं, आपको पढ़ सकते हैं अगर आपको फ़ायदा है तो। तो ये है एक यूएसबी केबल। आपको यहाँ पे अडेप्टर नहीं मिलता है चार्जिंग अडेप्टर, तो चार्जिंग अडेप्टर आपको अपना खुद से लेना होगा, उसके बाद चार्ज करना होगा। तो ये ही हमारी घड़ी, ये स्मार्ट वॉच है। तो इस तरह से कुछ देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइन बहुत ही मजबूत है, बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है। ये इसका जो क्या बोलते हैं इसको, फीता बोलते हैं हम लोग। तो ये जो इसका रोप है ये बहुत मस्त है, रोप भी बोल सकते हैं। तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है, तो हाथ में पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको मैंने पहन लिया है और इस तरह से देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है। तो अब मैं इसको अपने हाथ से खोल लेता हूँ। ये मैं अब अपने हाथ से खोल लिया हूँ इसको। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंसर्ट सिम भी इसमें लगता है आपको, और उसके बाद यहाँ पे मेनू लिखा हुआ है। मेनू में जाने के बाद आप ये सब बटन वटन दबा सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से बैक जाना है, यहाँ पे अंदर आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। आपको सिम लगाने के बाद ही आप व्हाट्सएप और फेसबुक का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड भी लग जाएगा। राइट साइड में आपको यहाँ पे ये वाला चार्जिंग का पोर्ट मिल जाएगा और ये वाला एक बटन मिल जाएगा, जिससे आप होम बटन जा सकते हैं या डायरेक्ट कट कर सकते हैं। जैसे ये है अभी ये खुला हुआ है यहाँ पे, तो आपको होम पे जाना है तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से दबाएंगे चला जाएगा। और ये वाला बटन जो है, तो यहाँ पे आपको कोई नोकीली चीज़ से इसको निकालना होगा, उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग आप लगा सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ आपको नीचे यहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज़ है। इसको खोलने के बाद कुछ इस तरह से आपको पीछे दिखाई मिलेगा। आप उसके बाद यहाँ से ये बैटरी को दबा करके इस तरह से पीछे से इस तरह से खोल सकते हैं, इस तरह से आराम से खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और यहाँ पे सिम लगा सकते हैं। तो बस इसके अंदर इतना ही चीज़ है। तो ये बैटरी आपको तीन से साढ़े तीन घंटे तक का आपको बैटरी बैकअप देगा। अब ये है मेरे पास एक मोबाइल, और इसमें हमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है बीटी नोटिफिकेशन। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम ये मोबाइल को, ये स्मार्ट वॉच को ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करेंगे और थोड़ी बहुत फंक्शन आपको हम बताएंगे। तो ये है मेरा स्मार्ट वॉच और ये है मेरा फ़ोन, और फ़ोन में मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया हूँ, ये देख सकते हैं। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको बीटी नोटिफिकेशन,
तो ये वाला आइकन के साथ आप बीटी नोटिफिकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ये वाला आइकन वाला नहीं मिले तो आप गूगल से डायरेक्ट एपीके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको करना ये होगा कि आपको अपने स्मार्ट वॉच में जाना होगा। अपने स्मार्ट वॉच में जाने के बाद आपको यहाँ से ब्लूटूथ में जाना होगा। ब्लूटूथ में जाने के बाद ब्लूटूथ को ऑन करना होगा। ब्लूटूथ को ऑन करने के बाद आपको बैक जाना है। उसके बाद आपको ये जो ब्लूटूथ वाला है, ये वाला ब्लूटूथ यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी ब्लूटूथ यहाँ पे शो होगा, जो भी डिवाइस ओपन होगा ब्लूटूथ, तो ये डिवाइस ओपन है जिसका नाम है यहाँ पे GT18262। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये कनेक्ट हो रहा है, अभी देख सकते हैं ये कनेक्टेड हो गया है। अब यहाँ पे हम कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस मोबाइल का हम कॉल लॉग देख सकते हैं, रिसीव देख सकते हैं। बीटी में जाएंगे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से ये देख सकते हैं, कॉल लॉग में देख सकते हैं। बीटी में जाएंगे तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट हो गया, ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसकी कुछ मैं थोड़ी सी सेटिंग बता देता हूँ। आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा फ़ोन सेटिंग में। फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप टाइम डेट वगैरह ये सब पावर ऑफ ऑन का शेड्यूल सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। और नीचे प्रोफाइल में आपको जनरल, साइलेंट, मीटिंग, आउटडोर ये सब सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्टिविटी में आपको खाली मिलेगा। और फिर यहाँ सबसे नीचे रिस्टोर सेटिंग में करेंगे तो जो भी सेटिंग की आप वो सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी, दोबारा से जैसा था वैसा ही हो जाएगा। बाकी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप का यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। गूगल क्रोम भी है। आपको म्यूज़िक, ब्लूटूथ म्यूज़िक भी यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से म्यूज़िक भी चला सकते हैं। आपको होम पे जाने के लिए आपको ये होम का बटन जो यहाँ पे क्लिक करना होगा तो आप होम में चला जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर पाएंगे जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।